जी दोस्तों, सफ़र चल रहा है फोकपुर का। मैं पहुँच चुकी हाँ पिंड डल्ला। तो इस टाइम मैं जिते खड़ी हाँ वह है जी गुरु नानक मिशन स्कूल, जरा कि CBSE एफिलेटेड है। स्कूल नू दो पार्ट्स डिवाइड किया गया है। इधर है जी सीनियर विंग एंड इधर है जी जूनियर विंग। और खुशी की गल यह है कि अज स्कूल 25 साल पूरे हो चुके हैं। सो स्कूल दे विच होर की सर्विसिज ने, होर की फैसिलिटीज़ ने, आप अंदर जाके देखते हैं। आ जाओ मेरे नाल। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वह बिल्कुल मेरे पिछे देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल स्कूल तो अलग रखा गया है, ताकि जो बच्चों का आना जाना है, पेरेंट्स का आना जाना है, वो जो है वह सारा एक साइड पर रहे, ताकि एजुकेशन पर वह कोई भी असर ना पवे। खड़ी हाँ मैं KG के क्लासरूम के विच, और तुम देख सकते हो कि बहुत ही वधिया एक्टिविटीज़ जिहदे नाल बच्चे आने वाले टाइम के जिहड़ा भी कॉन्फिडेंस लैवल है वो अचीव करन दा मौका मिलता, वो सारिया एक्टिविटीज़ इत्थे बच्चों नूं करवाईयां जा रही ने। कहते हैं कि भी पढ़ाई कल्ली आर्ट नहीं होंगी, जिंदगी जीना भी एक आर्ट होंगे। और यही कुछ आर्टिस्ट वैल्यू, क्रिएटिविटी वैल्यूज़ की जोड़ी सीखा है वह गुरु नानक मिशन स्कूल के आर्ट रूम क्लासरूम के दिती जा रही है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारिया क्रिएटिविटीज़ चल रही ने। सारे पता है कि अजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, पढ़ाई के नाल नाल टेक्निकली स्ट्रोंग होना भी बहुत जरूरी है। सो इसे ही तरह कुछ कंप्यूटर क्लासरूम है जिथे थानू पूरी दुनिया के नाल जुड़न का मौका दिता जाता है गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के। जी ये तो सी जूनियर विंग का सफ़र, हूँ आप शिफ्ट हो चुके हैं सीनियर विंग दे विच। चलते अंदर और देखते हैं कि सीनियर जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने किद्दां पढ़ाया जा रहा है। जी किताबों को ज्ञान का भंडार किया गया है, और इस दे विच तुसी जिन्ना भी ज्ञान लैंदे हो कदे भी खत्म नहीं हुंदा। तो इस टाइम मैं खड़ी हाँ जी लाइब्रेरी दे विच, जिथे कि 5000 तो ज़्यादा बुक्स अवेलेबल ने। और नाल ही नाल इत्थे प्रॉपर एक शेड्यूल बनया होया है कि स्टूडेंट्स ने डेली जो न्यूज़पेपर है वह रीड जरूर करना है। जी इस टाइम खड़ी हाँ मैं क्लास स्मार्ट क्लास दे विच, और बेसिक नॉलेज के नाल नाल बच्चों ऑडियो विजुअल लैब के राही जड़ी है वो स्मार्टनेस मतलब स्मार्ट क्लासेस दित्तियां जा रही ने। बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल अथॉरिटीज। देयर आर सेवरल टीचर्स हु वर्क हार्ड ऑन अस फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। देयर द स्टाफ टीचर्स आर वेरी motivational, encouraging, as well as cooperative. There are several clubs also, like literary club, science club, home science, eco and heritage club, as well as music and performing arts, to enrich our talent. Students can choose clubs according to their interest. Our school also encourages us to take part in inter-school competitions held at various other places. Our school organizes various educational trips to connect the students to the real outside world. Our school also encourages the students to participate in stage activities like delivering speeches and discussing current issues. जी दोस्तों, स्कूल के सफ़र तो बाद मैं हूँ जुड़ चुकी हाँ स्कूल के प्रिंसीपल मिस्टर विक्रमजीत सिंह सैनी के नाल। आओ गलबात करते हैं इन्हों के नाल। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। सर सब तो पहला तो थानू मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया स्कूल नू। ते मेरा ये ही पहला सवाल ये रहेगा कि स्कूल का जो मोटिव से जिसन सोच के स्कूल स्टार्ट किया कि अज की डेट के मोटिव तो सक्सैसफुल हो रहे हो। डेफिनेटली जी, इन 1994 परशोत्तम सिंह जी आनंद, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ट्रस्ट, ही स्टार्टेड द स्कूल्स इन द रूरल एरियाज विद द मोटिव दैट द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स दोज मस्ट बी गिवन द एजुकेशन विच इज़ एज पैरेलल टू द सिटी स्कूल्स। तो देयर वी आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एंड आई फील तो वी आर 100%
successful in achieving the motive, whatever in the beginning motive was taken by the trust. ਅਤੇ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸਕਿਓਰਡ 96.4% ਮਾਰਕਸ ਇਨ 10th ਕਲਾਸ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ. ਇਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਾਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਲਸੋ. ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹਨ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ 100% ਫਰੀ ਸ਼ਿਪ ਵੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਪੇ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਈਵਨ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਦਾ ਬੁੱਕਸ along with the pens, whatever is required, that is being provided by the school. So ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ.